फ्यूचर में जिस तरह मून की स्टडी के लिए अब कई सारी चीजें नहीं आएंगी, तो अब सन के लिए भी वो क्यूरियोसिटी बनी है कि सन की स्टडी भी हो पाएगी, तो उसके ऊपर हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। मून के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, अब हमारी फ्यूचर जनरेशन जैसे कि हम यूथ भी सन के बारे में अब आगे जाके पढ़ेंगे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू स्टडी अबाउट द सन टू। जैसे रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो होपफुली कि आदित्य L1 भी सक्सेसफुल हो, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ है और होपफुली वो सक्सेसफुल हुआ है, तो बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। एंड होपफुली हम चाहते हैं कि आदित्य L1 भी सक्सेसफुल हो, ताकि हमें और नॉलेज मिल सके सन के बारे में।